देना खुश आप चिल्ला के क्यों बोल रहे हैं? मैं बहरी ताकि सबको पहुंचे सब जगह पीछे करना ही पड़ेगा। अच्छा इतना एक्साइट कर रही है क्या बात है चार्ज कर क्या नया देखने मिलेगा इस बार चैप्टर 3 में और कितना प्रेशर है क्योंकि फर्स्ट और सेकंड बहुत ही अच्छा नाम है इस बार ना हाँ इस बार सुपर डांसर चैप्टर 3 में ना जानवरों को नचाएंगे हम ऐसा लग रहा है अलग क्या देखने को मिलेगा मतलब क्या आई डोंट नो व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग बच्चे ही अच्छा अच्छा मुझे एक बात बताइए हम आज डिस्कस कर रहे थे वो वाली बात बता दें हम लोग डिस्कस कर रहे थे आप गए थे उस दिन चेंबूर में आपने गुलाब जामुन खाए आप जामुन में क्यों जाती हैं बार बार क्योंकि वो अच्छा है कंसिस्टेंट है क्योंकि वो कंसिस्टेंट है और टेस्टी है अलग थोड़ी ना मिलता है हर बार बिल्कुल क्या बात बोली आपने क्या बात बोली बनते बनते अलग बनेगा अभी कैसे पता है क्या करना है अभी तो नहीं पता कि क्या करना है लेकिन इंटेंशन होना चाहिए अलग करने का हो जाएगा बिल्कुल मस्ती करेंगे अच्छा आपको अलग क्या चाहिए क्या चाहिए क्या चाहिए बताइए हम परोसेंगे हम बताइए अलग क्या चाहिए आप अपना ऑर्डर दे दीजिए बताइए क्या रहेगा अपना क्या रहेगा ग्रेवी वाला जो अब ये गुस्सा हो गई बहुत ही टैलेंटेड हां जी पहले और दूसरे सीजन से बहुत ज्यादा टैलेंटेड बिल्कुल किस तरीके से उन लोगों को कमेंट्स देने वाले हैं आप क्योंकि बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं हर साल क्योंकि हम इसी चीज़ पे जिक्र भी करते हैं और इस बार तो आपने खुद बोला कि बहुत ही सोचना समझना पड़ेगा तो उनकी सेंसिटिविटी हमें सोचना और समझना पड़ेगा कि वो क्या लेके आ रहे हैं ऑन द टेबल बच्चे उतने ही टैलेंटेड हैं इनफैक्ट वो मेहनत ज़्यादा करके आए हैं ऐसा नहीं है कि उनका हम वी आर लुकिंग एट सम अदर एस्पेक्ट ऑफ इट दे हैव कम एज प्रिपेयर्ड तो हमें प्रेपरेशन की ज़रूरत है कि जब हम उनको देखेंगे तो हाउ वी गोइंग टू जज देम लेकिन वो तब होगा जब वो एक्ट करेंगे परफॉर्म करेंगे तब हमको पता चलेगा मामा जी आपसे भी जानना चाहेंगे क्योंकि हर साल आप शिल्पा जी के पीछे ही पड़े रहते हैं हमने जितने भी सीजन देखे अच्छा आप इतने इस बार मेरे आगे पड़े थे वो हाँ फिर मैंने कहा हम गाड़ी लेके जाइए हमारे ऊपर से आप इनको देखिए इधर कुछ 40-50 कैमरे हैं मेरा पीछे पड़ना बनता नहीं है बिल्कुल बनता है लेकिन इस बार आपकी तरफ से क्या नई मस्ती देखने को मिलेगी क्योंकि वो तो हम सब ने देखा ही है जो आप उसके बारे में अभी थोड़ी वो बोलेंगे ऑडियंस को ब्रीफ तो दे ही दे नयापन ये है कि मैं इस बार टिप्स दूंगा सबको कि कैसे प्यार ना करें क्योंकि दो सीजन में असफल ही रहा हूं ना मैं और किसी खूबसूरत लड़की का भरोसा ना करें ठीक है अच्छा। कुछ बहुत नयापन है और पता है जो प्लान नहीं होता है वो ज्यादा बेहतर होता है मैं वही बोलने वाली थी हमें से कोई प्लान नहीं करता है हमारे जजेस पढ़ के नहीं बोलते हैं ना हम और ऋत्विक कुछ ऐसे घर में याद कर रहे हैं पन्ना लेके फिर झूठ हम तो चेक भी अपना नहीं पढ़ते हैं वो अलग बात है वो कि 1200 कौन पढ़े पढ़ने लायक होते ही नहीं भाई 300 रुपए का क्या चेक पढ़ना मैं बताऊं सबसे खूबसूरत चीज जो होती है ना वो सहज होती है सहजता सुपर डांसर में सहजता है नेचुरल है रियल है एक तो लग रहा है कुएं में बात कर रहा हूँ मैं सुनो बाबू सुनो ना फर्स्ट फ्लोर पे आओगे तो ये है और यही खूबसूरती है इसका नेचुरल होना ही इसकी खूबसूरती और वैसा ही रहेगा और मुझे लगता है कि ऑडियंसेस इसी बात को ज़्यादा लाइक करती है कि कुछ भी कंट्राइव नहीं है हमारे सेट पे ना बच्चे ना कंटेंट ना जजेस ना हमारे दिग्गज कलाकार और जो नेचुरली हो जाता है जैसे आप हमको पूछ रहे थे कि इस बार अलग क्या होने वाला है इस बार आप जजेस कैसे जज करेंगे बच्चों को हमने कुछ ठाना ही नहीं है अपने दिमाग में कि हम ये करेंगे जाके इस बार इस अध्याय में जो होगा वो नेचुरली होगा और वही अनफोल्ड होगा और वो आप देखेंगे और बस जैसे गीता ने कहा इस बार टैलेंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया माइंड ब्लोइंग है हाँ, तो थोड़ा सा टैलेंट इस बार असल ज्यादा हो गया भाई इतना कैसे आ गया सोचा ही नहीं मेक्स यू वांट टू स्टडी एंड कम के जब वो इतना मेहनत और इतना सीख के आए हैं तो फिर हमारी तरफ से कोई कमी ना हो सो दैट वी कैन होन देयर टैलेंट बेटर दैट्स मैं थोड़ा सा और सीख के आऊंगी इनकी तरफ से नयापन मैं बता देती हूं आपको कि शिल्पा जी ने इस सीजन में डिसाइड कर लिया है कि वो क्लिष्ट हिंदी में बात करेंगे वार्तालाप करेंगे हाँ? मैं वार्तालाप करने का प्रयत्न करूंगी और ये है सुपर डांसर क्लिष्ट बोले तो अध्याय 3 ये बहुत क्लिष्ट है अध्याय 3 अध्याय 3 अच्छा सुनिए आपका वो आरती आपकी कितने ये मामा जी का असर लेने वाली है क्योंकि इतनी स्पष्ट हिंदी बोलते हैं वो आपको पता है असर
असर हुआ है। शिल्पा जी को 26 साल हो गए काम करते हुए। अबे 25 सॉरी अपना ये टेलीकास्ट अपना जनवरी में है ना, उसी जनवरी में ये बात लाना। इनको 25 साल मैम को हो गए, ऐसा कौन सा काम है जो उन्होंने नहीं किया है? ऐसी कौन किस तरह की एक्टिंग है जो इन्होंने नहीं अटेम्प्ट किया है? नहीं देखिए बहुत ये ऑफ कैमरा भी कैरेक्टर में रहता है यार, बहुत करना बाकी है। प्यार है, नयापन जो है ना, नयापन पता है कहाँ है? नयापन दादा की तरफ है। आधा भारत का खाना खा चुके हैं, नए नए राज्य बचे हुए हैं, बचे हुए हैं। साउथ से आते नहीं कंटेस्टेंट, साउथ से नहीं आते। तो इस बार आप बोल दीजिए कि असर पूरा कर देती है, चैप्टर 4 में साउथ से भी बच्चे आएंगे। आप बोल दीजिए, साउथ से कुछ आता नहीं है खाना तो। हाँ, इनका एक सवाल। वाह, आप मुझसे कर रहे हैं? हाँ, वियान ने एक बार, वियान को डांस का बहुत शौक है, तो एक बार उसने कुछ मूव्स मुझे दिखाए और वियान चाह रहे थे कि मैं बोलूँ सुपर से ऊपर, लेकिन क्या है, बेंचमार्क इतना हाई हो गया मेरे लिए कि मैंने बोल तो दिया मुँह से लेकिन यहाँ से नहीं आया। क्योंकि एक्चुअली जो बच्चे यहाँ पे करते हैं, जो करतूते हम लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद मैंने रियलाइज़ किया है कि वियान अच्छा डांसर तो है लेकिन सुपर डांसर नहीं है। नहीं, बट ये सच बात है, and he's working really hard at it, don't say that. नहीं, क्योंकि अभी तक वो, हाँ नहीं, मैं किसी को नहीं बना सकती हूँ, लेकिन वो मेहनत जरूर कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे और दिखता है वो, he works hard, he's a gymnast, not really a dancer, but तो वही मैं बोल रही हूँ, जो हम लोग यहाँ पे जज बन के बैठे हुए हैं इस कुर्सी पे, वी हैव टू हैव दैट सेम अनबायस ओपिनियन, क्योंकि ये भी हमारे बच्चे जैसे ही हैं, तो वी हैव टू बी ऑनेस्ट। और उसी ऑनेस्टी के साथ मैं बोलती हूँ जो मुझे लगता है, जो मेरे दिल को लगता है। और हाँ, मैं थोड़ी सी ईजी हूँ, ये बहुत ये है। क्या होता है, आप ऐसे हैं, क्रूर है, क्रूर ये झोले में मैं व्याकरण रखूंगा मीडिया के लिए, आप लोग घर जाके समझ लीजिए क्या बोला उन्होंने। अच्छा रीता जी, अनुराग दा, मेरा सवाल आप दोनों से है। जब सीजन 2 लॉन्च हुआ था, उस वक्त आपने मंच पे कहा था मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक और बच्ची है जो है शिल्पा जी, जिन्हें ऑलरेडी गलत सिर्फ एक ही पास ऑन हो चुका है, द बेटन हैज बीन पास टू, कितना माहौल बदल चुका है, अब कौन कितना सेंटिमेंटल होता है, कैसे जजेस, क्या माहौल बन चुका है? नहीं नहीं, वो तो इनका नल सबसे ज्यादा खुलता है, आंसू आंसू ओके। हां, ये प्लीज जरा नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने रोना तो है नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। लायर, मैं तो कॉमेडी शो पे भी जाके रोती हूँ आजकल। लेकिन ही इज बिकम अ चाइल्ड, बहुत परेशान करते हैं। और जो भी शिल्पा जी के आउटफिट में अगर ऐसा कुछ आपको दिख गया, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, इसमें 300 ये आती है इतना सब कुछ पहन के, और आधा वो तोड़ के अपने घर लेके जाते हैं। बदमाशी, बदमाशी का किंग यार, ये मेरा बबल रैप का आदत है ना, गया नहीं अभी तक तो। शिल्पा के कॉस्ट्यूम हमेशा कुछ देखिए, अभी इसको आप तोड़ने का मन नहीं करेगा। तो बस करता हूँ मैं, क्या करूँ, टाइम पास। पर बचपना तो है, देखिए टोपी सिर्फ उनके हाथ में ही है, छोड़ नहीं रहे, 25 तारीख तक नहीं छोड़ेंगे। ले शिल्पा, रिप्लेस करने की बात हो रही थी प्रियांक शर्मा आने वाले, इसको कौन सुनो, तुम बाहर निकलो, बताता हूं क्या करने चाहिए इसके लिए। हम नहीं नहीं, आपने गलत सुना, शो में मुझे रिप्लेस करने की बात होने वाली थी ये शो, और हमें लेकिन इतना इतना बड़ा बच्चा मिला ही नहीं फिर कोई, हां इसलिए मिला नहीं उनको, बात मेरी हो रही थी, लेकिन मेरे वजन के कोई डेटे मिले नहीं। हां, तो वो चाहते थे कि दोनों वजन का डायरेक्टर, वजन का डायरेक्टर, ओ ओ क्या बात है, वाह दादा, मैं किलोग्राम की बात कर रहा हूं। अच्छा अच्छा, इसके अलावा नसीरुद्दीन शाह ने एक फेसबुक पेज पे लिखा हुआ है कि विराट कोहली सबसे सबके तरफ से जवाब दूंगा, मेरे को 7 बजे के बाद फोन करना। सर चलिए चलिए, थैंक यू, सुपर डांसर इसके बारे में, हाँ हाँ मेरे पति ठहरे ब्रिटिश, तो हमारे घर में हम क्रिसमस दिवाली से ज्यादा मनाते हैं।
तो वहीं पे पले बड़े हैं वो, तो वो कल्चर एक्चुअली बहुत कुछ सीखने को भी मिला अबाउट द कल्चर एंड अबाउट द होल फेस्टिवल. तो बहुत ही मज़े के साथ हम उसे सेलिब्रेट करते हैं लंदन में. सो क्रिसमस इज ऑलवेज इन लंदन. दादा टिकली प्लीज छोड़ दो, भगवान के लिए छोड़ दो. दादा मेरा झोला ले दीजिए, उनको छोड़ दीजिए प्लीज. तो इस बार वापस एक्चुअली राज और वियान ऑलरेडी निकल चुके हैं, मैं कल रात को जा रही हूँ. कब आएंगे आप? हाँ तो कांट वेट. इस साल ना क्रिसमस के लिए शिल्पा जी ने डिसाइड किया है कि हम सबकी टिकट बुक करके हमें लंदन लेकर जाएंगे, तो हमें उस बात की ज्यादा खुशी. थैंक यू सो मच डार्लिंग, यू आर सच अ सीक्रेट सैंटा. इस साल लंदन में मनाएंगे क्रिसमस. जिसके पास पासपोर्ट नहीं है मना मत करना. ओके थैंक यू सो मच.